सत्संग भवन में जाना, संसद के बजाय सत्संग में जाने लगे। पिछले साल एक शरारत हुई गुजरात में शरारत हुई और बाबा साहब की ये बोली जो सामने थी पार्लियामेंट की तरफ, उन्होंने ऐसे कर दी कि भैया तुम ऊपर जाओ। तो थोड़ी सी इस बात का भारत पैदा ना हो, आपको याद होगा नए साल पे और नए साल पे जब हम इस बात का चर्चा करते हैं और कैलेंडर लेके आते हैं अपने अपने घरों में दीपावली पे लेके आते थे, तो वो मैं उनको और शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि उनके देवी देवता किनके, उनके देवी देवता जो हजारों साल से हमारा शोषण कर रहे थे वो आपके और हमारे पूर्वजों के कातिल हैं, और उनको हम नए साल में और लिपाई पुताई करके और पेंट करके हम उनको विराजमान करते थे, कैलेंडर ऐसे लगाते थे। आज बाम से कांसीराम जी की एक ऑर्गेनाइजेशन BHEL में है, बाम से कांसीराम जी की उस ऑर्गेनाइजेशन से ने अपने खूब पसीने की कमाई से ये बाबा साहब के हमारे महापुरुषों का कैलेंडर इन्होंने प्रिंट किया। उनकी इच्छा थी, साथियों ने चर्चा की के बाप से के कार्यक्रम में इस कैलेंडर का विमोचन किया जाए, तो आज विधिवत हमारे महापुरुषों के इस कैलेंडर का यह विमोचन किया गया। हमारे SC/ST इम्प्लाइड एसोसिएशन जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष हमारे बीच में हैं आदरणीय ऋषिपाल जी, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं कहूंगा वो सामने आए, आपने एक ऐसा काम किया है, एक उदाहरण पेश किया है, आप मंच पे आइए।